हिजाबी क्वीन सोना फातिमा आप सबके लिए एक हॉल लेकर आई हूँ। ये हॉट हॉट छोटा हॉल है लेकिन आप सबके यूज की चीजें मैंने बाय की है। विंटर आ रहा है तो मैं सोचा विंटर कलेक्शन का फर्स्ट हॉल मैं लेकर आऊँ, आप सबके साथ शेयर करूँ। तो अगर आप लोग चैनल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम मिस निकाब 786। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हॉल को। सबसे पहले है मेरे पास एक स्टॉल। ये स्टॉल जो है ना मैंने व्हाइट बाय की है इसलिए क्योंकि विंटर के टाइम में ना व्हाइट कलर ज्यादा अच्छा लगता है, इसमें स्नो वाली फीलिंग आती है, तो इसलिए मैंने ये व्हाइट कलर का एक स्टॉल बाय किया। और इसमें इसका जो बॉर्डर है गाइस, इसमें 3-4 कलर ऐड किए गए हैं जिससे आप कई सूट पर आराम से वेयर कर सकती हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने इसे बाय किया है। और इसका जो फैब्रिक है बहुत ही शाइनी सॉफ्ट कॉटन साइज का फैब्रिक है, तो मुझे देखते ही पसंद आ गई थी तो मैंने सोचा इसे ले ही लेते हैं और आप सबके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो मैंने एक व्हाइट स्टॉल बाय की है, जो जैसे कि आपने देखा ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है और काफी अच्छे फैब्रिक में है और नीचे इसके थोड़ा सा झाला टाइप का कुछ लगा हुआ है और मुझे बहुत पसंद आई। आप लोग को भी पसंद है आप जरूर बाय करें। ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था और मैंने इसे लिया है 250 रुपीज का, बहुत ही कम प्राइस में थी, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं थी और इतना अच्छा शाइनी फैब्रिक मिल रहा था, मैं उसका ले ही लेते हैं ठीक है। अब ये है मेरा सेकेंड फैब्रिक जिसे मैंने कुर्ती के लिए लिया है और आपको मैं बता दूं कि पर्सनली मुझे चीता प्रिंट टाइगर प्रिंट वाले जो होते हैं ना ड्रेस बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा इस बार एक कुर्ती तो मैं बनवाऊंगी ही चीता प्रिंट में। तो ये देखिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था ये वाला फैब्रिक देखते साथ, मैं सोचा बस इसे लेना ही है चाहे जो हो जाए। तो ये देखिए इतना ज्यादा शाइनी फरी टाइप का इसका फैब्रिक है कि आपको ठंडी में ना जरा भी ठंड नहीं लगने वाली है, इसलिए मैंने इसे स्पेशली बाय किया है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया गाइस, ये क्या बताऊं मैं आप सबको। तो ये भी फ्रंट साइड का इसका फरी टाइप का है और बैक साइड थोड़ा प्लेन टाइप का है ठीक है। और ये 2 मीटर का फैब्रिक है और मुझे 650 अंडर मिला था और प्राइस अकॉर्डिंग बेस्ट है, इतना फरी इतना अच्छा सॉफ्ट वाला वुलन क्लोथ जल्दी नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैंने सोचा इसे बाय कर लेते हैं। ये मेरा सेकंड प्रोडक्ट था। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना थर्ड बाय प्रोडक्ट। तो थर्ड में है ये देखिए एक टॉप है, ये टॉप मुझे मैंने अपने लिए बाय नहीं किया है क्योंकि मुझे एज अ गिफ्ट करना है किसी को, आप तो जानते हैं गाइस की ठंडी में ना बहुत सारे बर्थडे वर्थडे आते हैं सबके, तो इसलिए मैंने ये टॉप बाय किया है। काफी अच्छा है, थोड़ा कॉस्टली था लेकिन बहुत ज्यादा आपको जरा भी इसमें इस फैब्रिक में जरा भी आपको ठंडी नहीं लगेगी। और इसका जो नेक है वो हाई नेक टाइप का बनाया गया है और इसमें एक बटन दिया जो कि बहुत ज्यादा स्टाइलिश लुक दे रहा है। और ये मैंने मीडियम साइज बाय किया है और इसमें देखिए कुछ इस तरीके से प्रिंट विंट दिया गया है 3-4 कलर के, काफी अच्छा डिजाइन था, सिंपल सा था और इसके बैक साइड में लाइनिंग टाइप की थोड़ी डिजाइन दी गई है, ये देखिए जिस तरीके की है। फुल स्लीव्स का था, ठंडी में फुल स्लीव्स तो हर किसी को पहननी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है। और ये इसका एक बटन दिया गया जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं इसके साथ बाय की है पैंट, जो मैंने बाय किया था टॉप वो है 1100 का और उसके साथ मुझे अलग से बाय करनी पड़ी है जीन्स, जो ये पैंट अलग से मैंने पैंट बाय की है कुछ इस तरीके की है पैंट। और इसका फैब्रिक थोड़ा मुझे पसंद नहीं आया गाइस क्योंकि इसका फैब्रिक थोड़ा थिक टाइप का फैब्रिक है इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और चलिए ठीक है खैर अपने प्राइस अकॉर्डिंग ठीक है, 299 की ये मिली थी मुझे। और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी गाइस, क्योंकि हर किसी को पसंद होता है कि इसके पैंट में जेब हो पॉकेट हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई मैं तो बाय करूंगी इसे। तो इसमें दोनों साइड में छोटे छोटे पॉकेट्स हैं और ये एकदम शार्प येलो कलर है जो कि विंटर में ना बेस्ट रहने वाला है गर्ल्स, अगर आप बाय करने का सोच रहे तो एक येलो ड्रेस जरूर बाय करें, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। दोनों में साइड पॉकेट्स हैं छोटे छोटे और ठीक है 299 के हिसाब से पैंट का भी प्राइस और क्वालिटी ठीक है, तो आप बाय करना चाहें तो जरूर बाय करें। कुछ चीजें मैंने ऑनलाइन बाय की है, कुछ चीजें मैंने शॉप से मार्केट से जाकर ली है, तो मैं कुछ चीजों का ही लिंक दे पाऊंगी। ये पूरा टोटल मिलाकर मुझे 1300 के अंडर मिल गया है क्योंकि 1100 की तो कुर्ती हो गई थी और ये हुई थी और ये 299 की पैंट। अब ये देखिए मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये देखिए आप लोग आज पता लगा ही लेंगे कि मुझे सबसे ज्यादा कौन से टेक्सचर वाले क्लोथ्स पसंद है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से है, ये टाइगर प्रिंट के स्टॉल। मेरा नेक्स्ट बाय प्रोडक्ट है, देखिए जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ही खूबसूरत सी शॉल है और ये शॉल भी एज इट इज टाइगर प्रिंट में है और इसमें गाइज ये ब्राउन टेक्सचर में है और जो मैंने 2 मीटर के क्लॉथ लिए थे वो डार्क ब्राउन में थे, ये लाइट ब्राउन में, ये थोड़ा गोल्डिश टाइप का है जो कि आपके शादी पार्टी वाले टाइम में बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है ये शॉल। अगर आप कहीं भी जा रही हैं तो अपने सलवार कुर्ते पे प्लाजो पैंट पे आराम से इसे वेयर करें और बहुत ज्यादा स्टाइलिश रॉयल वाला लुक आप
क्रिएट कर सकती हैं। तो मुझे बहुत पसंद आई ये वाली शॉल, इसलिए मैंने इसे बाय किया है, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फेस्टिव सीजन आ चुका है और कई सारे शादी पार्टी वगैरह वाले टाइम भी आ गया है, तो इसलिए मैं सोचा कुछ ऐसे ऐसे ड्रेस मैं बाय करती हूँ जो कि आप सबको भी देखने में और यूजफुल रहे, आप सबके लिए अच्छे अच्छे आइडियाज मैं लेकर आई हूँ। तो ये देखिए मैंने किस तरीके की बाय की है शॉल, बहुत ज्यादा सॉफ्ट में है, बहुत ज्यादा शाइनी वाला इसका फैब्रिक है, तो बहुत अच्छा लगने वाला है ये आप पर जब आप वेयर करेंगे गाइस। अगर लहंगे पे भी आप वेयर करेंगे इसे तो भी आप बहुत ज्यादा स्टाइलिश वाला लुक क्रिएट कर सकती हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट बाय प्रोडक्ट। कुछ चीजें मैंने आपको बताया कि मैं ऑनलाइन वेयर करी हूँ, कुछ चीजें मैं मार्केट से ली हूँ, ठीक है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना नेक्स्ट। ये देखिए गाइस, मैंने सोचा कि एक लहंगा तो मुझे लेना ही है और ऐसा ऐसे कलर का लिया जाए जो कि आपकी हर ड्रेस पर ऑसम लगे। तो मैं सोचा कि ना मैं गोल्डन कलर का एक लहंगा लूं, और ये गोल्डन कलर का लहंगा जो है पूरा सीक्वेंस वर्क में है गाइस, ठीक है। तो इसका प्राइस इसके हिसाब से मुझे बेस्ट लगा है, और काफी ज्यादा फ्लेयर वाला इसका लहंगा है। मैंने गोल्डन कलर का इसलिए लिया क्योंकि इस पे आप ब्राउन, ब्लैक, ब्लू हर तरीके के कोटी वगैरह, शर्ट्स वगैरह वेयर कर सकती है, इसलिए मैंने इसे लिया है। और मुझे बहुत ज्यादा पर्सनल पसंद आया, मैंने सोचा भी नहीं था कि जितना दिख रहा है उससे कई गुना ज्यादा अच्छा आएगा, ये रिसीव होगा मुझे। तो इसका प्राइस 1200 के अंदर है और मुझे बहुत पसंद आया लहंगा, और इसके साथ कोई कोटी वगैरह नहीं मिली है गर्ल्स, सिर्फ खाली लहंगा मिला है, ठीक है। तो आप इस पे जैसी चाहे कोटी बनवा सकती हैं, अगर आपके पास है तो आप बस उठाए वेयर करें और बस शादी पार्टी में जाए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लहंगा है ये। और इसके नीचे बॉर्डर कुछ इस तरीके का दिया गया है, पूरा नेट वाला लहंगा है, और इसकी शाइनिंग इतना ज्यादा इसमें गाइस की दूर से अट्रैक्टिव आप लगेंगी बहुत ज्यादा। तो कुछ इस तरीके का है, और ये और देखिए कुछ इस तरीके का है, और ये हर हर गर्ल्स को आराम से फिट आएगा क्योंकि इसमें दिया गया है। और ये कलर जो है ना गर्ल्स बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, गोल्डन कलर, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि गोल्डन कलर का लहंगा ऐसा लहंगा जो आपकी हर ड्रेस पर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसका मैं बताती हूँ कितनी लेयर वाला है, फर्स्ट लेयर इसकी नेट की हो गई और सेकंड लेयर जो है ना ये सैटन की है। बस इसकी एक बात मुझे थोड़ी सी वो लगी क्योंकि इसमें केन केन वाली लेयर नहीं लगी है, ठीक है। तो ज्यादा फ्लेयर में ज्यादा घेर वाला नहीं है, तो बस ये दो लेयर में बना हुआ है, एक नेट वाली और एक सैटन लेयर में बना हुआ है। तो ठीक है, अपने प्राइस अकॉर्डिंग बेस्ट है, और क्या चाहिए इतने कम प्राइस में। अभी मैंने देखा था, चेक किया था, तो 2000 के अंदर आपको केन केन वाला लहंगा बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने 1200 का दिया है ये बिना केन केन वाला। तो ठीक है, अपने प्राइस अकॉर्डिंग बेस्ट है, इतना ज्यादा सीक्वेंस हुआ आपको जल्दी नहीं मिलने वाला, इसलिए मैंने सोचा मैं इसको बाय कर लेती हूँ। और आप सबको भी रिकमेंड करूंगी कि आप जरूर बाय करें अगर आप शादी पार्टी वाले टाइम से गुजरने वाली है तो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है ये लहंगा, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया है, आप भी बाय करना चाहते हो जरूर बाय करें। और ये देखिए मेरी एक लास्ट शॉल जो कि मैंने ऐसे कलर की दी है जो कि आपके कई सारे ड्रेस पर जाने वाली है। इसमें मैं एक और इसकी क्वालिटी बताऊं कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट वाला फैब्रिक है इसका, और इसमें पूरे रोज पेंट हो रखी है। रोज पेंट वाले शॉल्स जो है ना वो काफी ज्यादा स्टाइलिश लगती है, इसलिए मैं रोज पेंट वाले स्टॉल्स ही लेती हूँ। इसमें ब्लैक भी है, पिंक भी है, ब्लू, ब्लैक भी है, पिंक भी है, व्हाइट भी है, ग्रीन भी है, तीन चार कलर कॉम्बिनेशन में ये शॉल है जो कि आपके रेड ड्रेस पे, ब्लैक ड्रेस पे, व्हाइट ड्रेस पे ऑसम लगने वाली है, ठीक है। तो मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे ना विंटर सीजन बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सबके साथ विंटर हॉल शूट करूं। ये मेरा फर्स्ट हॉल है गर्ल्स, इसे खूब सारा प्यार दें आप लोग, और जो भी पसंद आया आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा बाय प्रोडक्ट पसंद आया है, कौन सा क्लोथ पसंद आया है, ठीक है। तो ये देखो जिस तरीके का वन साइडेड शॉल है गर्ल्स, ये एक साइड से आपने इसे वेयर कर सकती है और दूसरे साइड से वेयर नहीं कर सकती, ये वन साइडेड शॉल है और बहुत ज्यादा शाइनी वाला और बहुत ज्यादा शाइनी वाले कलर है इसके, ज्यादा कलर जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है, जरा भी कलर इसका नहीं निकलने वाला है, क्योंकि जैसी है ये वैसी ही रहेगी तीन चार सालों तक अगर आप वेयर करना चाहती हैं तो। और अगर आप, और चलिए अब अपनी वीडियो का एंड करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, अगर आप मेरे चैनल बनना है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो इंस्टाग्राम में Sona786। बस एक बात आप सबसे और कहनी है कि प्लीज आप सब लोग मेरे चैनल की वीडियो तो देखती हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसमें नई नई वीडियोज की अपडेट्स आप सबको टाइम पर मिल जाए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए गाने के साथ, तब तक के लिए हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको दुआ में याद रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।